नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने पाकिस्तान का 100% कंफर्म और फाइनल टीम स्क्वाड ऑफिशियल तौर पर यानी कि आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया है, जहां पाकिस्तान की टीम में कई सारे शानदार और जबरदस्त खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा स्क्वाड से कुछ बड़े खिलाड़ियों को बाहर भी किया गया है। तो ऐसे में कैसा नजर आ रहा है पाकिस्तान का स्क्वाड एशिया कप 2023 के लिए, कौन कौन से खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान में टोटल 4 मैचेस होंगे जबकि श्रीलंका में 9 मैचेस खेले जाएंगे। और एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से होगी, जबकि इसका फाइनल मैच 17 सितंबर 2023 को खेला जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान पहली ऐसी टीम बन चुकी है जिसने सबसे पहले अपना स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस किया है। तो एशिया कप 2023 में एक बार फिर से आपको पाकिस्तान की कप्तानी बाबर आजम करते हुए नजर आएंगे, जबकि एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में ऑलराउंडर फहीम अशरफ को भी शामिल किया गया है। फहीम अशरफ की पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में 2 सालों के बाद वापसी हो रही है, जबकि इमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में भारत के खिलाफ शानदार शतक लगाने वाले तैयब ताहिर को भी एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके अलावा राइट आर्म फास्ट बॉलर एहसान उल्ला एल्बो इंजरी की वजह से एशिया कप 2023 के स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए हैं, जबकि पाकिस्तान के 2 बड़े खिलाड़ी इमाद वसीम और इसके अलावा शान मसूद को भी एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2023 के लिए 17 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है और पाकिस्तान का 17 मेंबर्स स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। बतौर ओपनर्स आपको नजर आएंगे अब्दुल्ला शफीक, फकर जमान और इमामुल हक, जबकि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर नजर आएंगे कप्तान बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिकार अहमद और तैयब ताहिर। विकेट कीपर्स में शामिल है मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हैरिस, जबकि स्पिनर्स में शामिल हैं वाइस कैप्टन शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर में शामिल हैं फहीम अशरफ और पेसर्स में शामिल हैं हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और शहीन अफरीदी। दोस्तों, ये रहा पाकिस्तान का कंफर्म्ड और फाइनल स्क्वाड एशिया कप 2023 के लिए। मुझे पाकिस्तान का ये स्क्वाड काफी ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम में यूथ और एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा मिक्सचर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको पाकिस्तान का स्क्वाड एशिया कप 2023 के लिए कितना ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है और क्या आपके हिसाब से इस स्क्वाड के साथ पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2023 का खिताब जीत पाएगी या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जबकि क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।